आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट और मजे का नाश्ता, झटपट बन जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगी, आपको पता नहीं चलेगा और आपका नाश्ता खराब हो जाएगा। तो वीडियो अच्छे से देखिएगा, जिससे आपका नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, मैंने लिए हैं 3 आलू। अच्छे से उबाल लिया आलू को, और उसके बाद जब ठंडा हो गया तो इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा आलू के टुकड़े नहीं होने चाहिए, बस ग्रेट किया हुआ, बिल्कुल मैश किया हुआ आलू हमें चाहिए। इसके साथ ही आलू मैश हो गया था तो मैंने आधा चम्मच कढ़ाई में तेल डाल दिया, 1 बड़े चम्मच का आधा चम्मच तेल डाल दीजिएगा। जब तेल हो जाएगा तो उसमें एक छोटी प्याज को बारीक चॉप करके, यानी बारीक काट के डाल दीजिएगा। प्याज डालने के साथ ही हम तुरंत डाल देंगे आधा चम्मच राई। अगर राई आप पहले डालते हैं तो छटकने लगती है, इस वक्त डालेंगे तो छटकेगी नहीं और आपकी राई भी पक जाएगी और प्याज भी पक जाएगा। हल्की सी जब प्याज गुलाबी हो जाए तो, यानी पिंकिश हो जाएगी, तो इसमें हम डाल देंगे आलू और तेज आंच पे ही आलू को अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारी जो प्याज है वो पकना बंद हो जाएगी, आलू मिल जाएगी, जिससे हमारा स्वाद है नाश्ते का बहुत बढ़िया होगा। और भी रेसिपी मैंने नाश्ते की शेयर की है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसके साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर करा करिए अपने दोस्तों को, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए मुझे। इसके साथ ही लाइक कर दिया करिए रेसिपी अच्छी रहे तो। फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से मिला लिया, आँच तेज है अभी भी चूल्हे की हमारी। इसके साथ 1 चम्मच डाला मैंने, छोटा चम्मच था वो, उससे भर के डाला काली मिर्च का पाउडर, और उसके साथ 1 बड़े चम्मच का आधा चम्मच डाला मैंने टोमेटो केचप। देखिए चम्मच दिखा दिया था मैंने आपको, अच्छे से मिलाया। उसके बाद आंच अब धीरे करके डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा और 1 हरी मिर्च बारीक काट के, और नमक स्वाद अनुसार हमें लेना है, जितना आप नमक खाते हैं ना उतना ले लीजिएगा, और अच्छे से मिला लीजिएगा। उसको निकाल लेंगे बर्तन में, यानी बड़े बर्तन में, और ठंडा होने के लिए रख देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। और उसके साथ लिया मैंने 1 ब्रेड, ब्रेड का कॉर्नर अच्छे से निकालना है इस तरीके से, हाथों को ना इस तरीके से रख के निकालेंगे ना तो ब्रेड नहीं टूटेगी। मेरी ब्रेड बासी है तभी देखिए टूट नहीं रही है, इस तरीके से निकालिए कभी नहीं टूटेगी। और अच्छे से अब इसको हम बेल लेंगे, और देखिए इस तरीके से पतला बेलना है। हम बना रहे हैं फ्रेंड्स ब्रेड पॉकेट्स, बिल्कुल नया तरीका मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, आपको ज़रूर पसंद आएगा, नया नाश्ता है बिल्कुल। आपने कई तरीके का ब्रेड पॉकेट खाया होगा। अच्छे से ब्रेड जब रोल हो गई थी ना, अच्छे से बेल लिया, उसको रख दिया मैंने, और उसके साथ डाला जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसमें चीज़ डाल दिया है। अगर चीज़ नहीं होती है दोस्तों तो टेंशन मत लीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा और बिना चीज़ के भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अब इसको मैं चीज़ डाल देती हूँ, अगर होगी तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अच्छे से मिला लेंगे चीज़ को, और उसके बाद इसको हम रख देंगे किनारे, क्योंकि स्टफिंग लगभग ठंडी हो चुकी है। इसके साथ मैंने लिया है 1 कप मैदा, मैदा देख लीजिए 1 कप ही लेना है हमें, और इसे हम डालेंगे बर्तन में, अच्छे से डालेंगे। और उसके बाद 1 कप मैंने माप के पानी लिया है, इसमें हम डाल देंगे इसी बर्तन से, जिस बर्तन से मैंने मैदा लिया था उसी बर्तन से माप के 1 कप पानी डाला है, और अच्छे से मिलाएंगे अभी। अच्छे से मिला लीजिएगा, अच्छे से बैटर हमें तैयार करना है, स्मूथ बैटर रहेगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, बैटर जो हमारा है ना वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत पतला रखेंगे तो आपका जो नाश्ता है वो अच्छा नहीं तैयार होगा, यानी हमारा जो ब्रेड पॉकेट्स है वो अच्छा नहीं बनेगा। देखिए अब उसी कप से मैंने माप के आधा कप पानी और डाला है, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो अभी गाढ़ा है, थिक है, तो अब अच्छे से फेंट लेते हैं। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला हुआ है। इसी तरीके से बैटर बनाइएगा, बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए। और इसके साथ मैं दिखा देती हूँ, चम्मच पे दोनों तरफ देखिए कोटिंग है बैटर की, देख रहे हैं ना आप, दोनों तरफ कोटिंग है, तो इसी तरीके से होना चाहिए। जितना मैंने लिया था मार्जिन, देख लीजिए पानी आधा कप बचा है, उतना ही मार्जिन लेके बनाइए, आपका जो बैटर है बहुत बढ़िया बनेगा। तो चलिए आप ले लेते हैं 1 कप चूड़ा, इसको हम लोग चूड़ा बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो बताना मुझे। चूड़ा मेरा पतला वाला है, अगर आपके पास मोटा वाला है तो भी टेंशन नहीं लीजिएगा, पतला इसी तरह से लेके ग्राइंड कर दीजिएगा, बस 2 बार ग्राइंड करना है, यानी 2 बार मिक्सी को चलाना है, और हमारा चूड़ा जो है बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गया है, देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, इस तरीके से बहुत बारीक मत करिएगा, मोटा ही रहना चाहिए। और देखिए स्टफिंग भरने का मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ, स्किप नहीं करिएगा वीडियो। स्टफिंग भरने से पहले मैं आपको बताती हूँ, स्टफिंग जो है एक जगह मत रखिएगा, लंबे में रखिएगा, तो जिससे हमारी स्टफिंग अच्छे से बराबर से भर जाएगी, मतलब एक तरफ रखेंगे ना तो ब्रेड टूटने लगेगी, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरी ब्रेड बासी है तो भी नहीं टूट रही है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपकी ब्रेड बासी होती है ना तो भी नहीं टूटेगी। और जो पानी बचा था ना आधा कप, उसको मैंने यूज किया है इसको बाइंड करने में, यानी जोड़ने में, तो इस तरीके से पानी लगाया फिंगर से और इसको अच्छे से दबा के प्रेस करके बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। अब इसको हम रख देते हैं, हमारा एक जो ब्रेड पॉकेट है वो लगभग तैयार हो गया है, और देख लीजिए दूसरा भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद डालेंगे अपने बैटर में जो हमने बैटर तैयार किया था, और उसके बाद डालेंगे चूड़े में, और चूड़े में डालने के बाद अच्छे से इस तरीके से कोटिंग करिएगा इसकी।
सभी जगह पहुंच जाए इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर आप बैटर पतला रखोगे ना फ्रेंड्स तो सारा तेल सोख लेगा, तो अगर बैटर मोटा रखते हैं तो तेल नहीं सोखेगा आपका नाश्ता। ये जो हमारा ब्रेड पॉकेट्स है वो लगभग तैयार हो चुका है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करते वक्त मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगी, तो उस बात का ध्यान दीजिएगा, स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। अब मैं जा रही हूँ उसको फ्रिज में रखने, 5 मिनट तक मैंने फ्रिज में रखा था और उसके बाद निकाला है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, तेल गर्म हो गया था तो मैंने डाल दिया है। और हाँ दोस्तों, इसको मीडियम आंच पे पकाइएगा, धीरे आंच पे मत पकाइएगा। इसको हमें अच्छे से पकाना है तो मीडियम आंच पे पकाइएगा, धीरे आंच पे मत पकाइएगा। उसके साथ ही थोड़ा अलट पलट दीजिएगा इस तरीके से, जिससे दोनों तरफ नाश्ता जो है हमारा ब्रेड पॉकेट्स प्रॉपर अच्छे से पक जाए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना कुरकुरा और क्रंची बना है। देखिए सुनहरा कलर आ गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है, उसके बाद दो और जो बचे थे उसको डाल दिया ऑयल में, उसको भी पका लेंगे। चलिए इसको मैं दिखाती हूँ कितना ये क्रंची बना है। अच्छे से तेल निथर गया तो मैंने निकाला है, देख रहे हैं ना आप। अब देखिए इसकी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए आवाज़ सुनिए इसको, कितना कुरकुरा और क्रंची है, बहुत टेस्टी भी है, बहुत मज़े का बना है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने नहीं बनाया होगा ये ब्रेड पॉकेट इस तरीके से। अब मैं इसको खोलती हूँ, देख लीजिए तोड़ के अंदर की स्टफिंग देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल गूई है और बहुत टेस्टी भी है। तो अब चलिए इसको सॉस से लगा के खाते हैं। अच्छी लगे रेसिपी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, मैंने और भी रेसिपी डाली हुई है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।